झांसी दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी में मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महिला सशक्तिकरण पर बल दिया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा कई समस्याओं से अवगत कराया गया था, जिसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पार्टी के मंडल अध्यक्ष के क्षेत्र को समस्याओं को सुने और उसके निस्तारण पर जमीनी स्तर पर बल दें। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में झांसी से काशी सहित पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा फिर से जीत हासिल करेगी और भारत में मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारत सरकार बनेगी, जिसको लेकर पार्टी द्वारा रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने यह चंद्रयान 3 के सफलता पर देश के वैज्ञानिकों को बधाई भी दी। बैठ करके चर्चा करने के बाद हम लोगों ने एक तय किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से देश को संबोधित करते हुए 2 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का एक आह्वान किया है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक बड़ा कदम, उसके क्रम में यहां समूह की ताकत बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। जो हमारे अमृत सरोवर हैं, अमृत सरोवर का मतलब है सरोवर में जल रहना चाहिए, सरोवर के चारों ओर वृक्ष रहने चाहिए, हरियाली रहनी चाहिए, अगर उसमें स्पेस है तो वहाँ ओपन जिम रहना चाहिए, अर्थात वो गांव के लिए हर प्रकार से उपयोगी स्थान साबित हो सके ऐसा प्रबंध रहना चाहिए। उसके लिए अच्छा काम किया है झांसी जनपद ने, इसके लिए मैं बधाई भी देता हूँ। जो गाँव छूटे हैं उन गाँवों को भी संतृप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ये मैंने यहाँ पर निर्देश दिया है। विशेष अभियान चला करके मेरा ये सदा मानना रहता है कि अगर ब्लॉक, थाना, तहसील या 3 स्तर के जो अधिकारी हैं अपने कर्तव्यों को ठीक से पालन कर दें